उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से फैले संक्रमण ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गांव में अचानक से सर्दी जुकाम के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और तेजी से लोगों की मौत होने लगी है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों ने नदी शव बहाने शुरू कर दिए। हालांकि देर से ही सही प्रशासन जागा और ग्रामीण इलाकों में एनडीआरएफ और निगरानी समितियां स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। हमीरपुर जिले में भी संक्रमण की रोकथाम के लिए 454 निगरानी समितियां बनाई गई हैं, जो गांव गांव जाकर लोगों को कोरोना से जुड़ी सही जानकारी दे रहे हैं। संदिग्ध मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज करवाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में तैनात एनडीआरएफ की टीम सुनिश्चित कर रही है कि शवों को नदियों में न बहाया जाए। कोविड संक्रमितों की खोज के लिए जो है निगरानी समितियाँ जो है हम लोगों ने अपने पूरे जनपद में ग्राम पंचायत वार सक्रिय कर रखा है। कुल 454 निगरानी समितियाँ हमारी कार्यरत रही। इस बीच में हमारी सर्विलांस टीमें भी काम करती रही। हर सर्विलांस टीम के पास 70% इंफ्रारेड थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध रहा और हमने मेडिकल किट भी सभी को जो है पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया, ताकि अगर कोई भी मरीज लक्षण पाया जाता है तो उसे तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध कराते हुए वह उसकी